हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाय आ चुके हैं नए वीडियो के साथ और आज करने वाले इन सब रॉकेट की टेस्टिंग। टोटल 8 वैरायटीज है हमारे पास रॉकेट की, और मोस्टली तो इसमें जो कॉक ब्रांड के हैं, कुछ रविंद्र फायरवर्क के, कुछ सनशाइन फायरवर्क के जो, और कुछ जो यहाँ पर जो फैंसी रॉकेट है, जो कि एक बॉक्स है हमारे पास जो कि है सिल्वर स्टार का। तो गाइज इन सब की करेंगे वन बाई वन करके टेस्टिंग और देखेंगे कौन सा रॉकेट जो कि न्यू पर जाता है और कैसे इसमें स्पार्क्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो यानी किस तरह का रॉकेट है। गाइज फटाफट से यहाँ पर मैं एक बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर जो कौन सा रॉकेट है। सबसे पहले हमारे पास है रविंद्र फायरवर्क का रॉकेट बॉम्ब, जो कि मिनी रॉकेट है, सबसे छोटा रॉकेट है। उसके बाद है सनशाइन फायरवर्क का सानी पंजाब रॉकेट, ये मिनी रॉकेट से बड़ा है। उसके बाद है फिर से रविंद्र फायरवर्क का डबल साउंड रॉकेट, ये जो सनशाइन वाले से बड़ा है, इसका साइज का साइज भी आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा है। उसके बाद एक कोक का सबसे पॉपुलर रॉकेट है, जो कि लूनिक एक्सप्रेस है और सबसे पावरफुल रॉकेट है। नेक्स्ट है वेल्स का लूनिक रॉकेट, जिसका बॉक्स का साइज लूनिक एक्सप्रेस से कोक वाले से बड़ा है, बट रॉकेट का साइज ऑलमोस्ट सेम ही है और इसका सेल का साइज देख सकते हैं कोक के कंपेरिजन में छोटा है। उसके बाद है फिर से हमारे पास कोक का बिस्लिंग रॉकेट, ये बिग साइज का रॉकेट है और इसके बॉक्स का साइज भी काफ़ी बड़ा है, हालांकि रॉकेट इतना बड़ा नहीं है। और कोक का जो लूनिक एक्सप्रेस है बिस्लिंग रॉकेट कोक वाला, जो थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, कुछ इस तरह का रॉकेट ही दिखता है, आपको दिखा देता हूँ। गाइस नेक्स्ट रॉकेट है श्री अरुमु गम्स का सिल्वर स्टार, जो कि फैंसी रॉकेट है। ओपन करके दिखाता हूँ इसका बॉक्स, कुछ इस तरह का रॉकेट है बिग साइज का, जो कि कोक के लूनिक एक्सप्रेस और बिस्लिंग रॉकेट से काफ़ी बड़ा है। उसके बाद सबसे बड़ा रॉकेट है जो कि कोक का सुपर स्टार रॉकेट है, ये काफ़ी बड़ा रॉकेट है गाइस, आप इसका साइज़ देख सकते हैं और इसके सेल का साइज़ भी देख सकते हैं कितना बड़ा है। और भाई साहब इस रॉकेट की स्टिक देखिए आप कितनी बड़ी है, आपको इसे बिग बोतल में लगाना पड़ा, काफ़ी बड़ी बोतल में लगाएंगे तभी जाके सीधा चल पाता, अदरवाइज ये ग्राउंड पे गिर जाता है। टारगेट फटाफट से करते हैं वन बाई वन एक एक रॉकेट को यूनाइट और देखते हैं किसकी जो यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रहती, कौन सा रॉकेट इन सब में नंबर वन रहता है, कौन सा रॉकेट जो परफॉर्मेंस चल रहती। गाइस सबसे पहले इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के रॉकेट बॉम्ब को, देखते हैं कितनी हाइट तक जाता है, कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहती है। गाइस कुछ इस तरह की रही रॉकेट बॉम्ब की परफॉर्मेंस, जो कि था रविंद्र फायरवर्क का, काफी हाइट तक गया और काफी स्पीड से भी गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइज अभी नाइट करते हैं सनशाइन के साने पंजाब रॉकेट को, देखते हैं कितनी हाइट तक ये जाता है और जो इससे पहले रॉकेट बम चला उससे कितना डिफरेंट रहता है। गाइस ये था सनशाइन फायरवर्क का साने पंजाब रॉकेट, काफ़ी स्पीड से काफ़ी हाई स्पीड के साथ ये गया। इससे पहले जो नजर आया था हमने रविंद्र फायरवर्क का रॉकेट बॉम्ब, सेम उसी की तरह ये गया और काफ़ी अच्छी जो यहाँ पर परफॉर्मेंस रही। गाइस अब इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के डबल साउंड रॉकेट का, देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। वाओ गाइस ये था रविंद्र फायरवर्क का डबल साउंड रॉकेट, काफ़ी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस रही, हाई स्पीड के साथ ही ऊपर गया, काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल्स भी इसमें देखने को मिले और साउंड भी काफ़ी ज़बरदस्त था यहाँ पर। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। गाइस इग्नाइट करते हैं बेल्स के रूनिक रॉकेट को और देखते हैं कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहती है, यार कितनी हाइट तक ये जाता है। वाओ गाइस ये वेल्स कंपनी का लूनिक, जो कि काफ़ी सस्ता रॉकेट था, 100 रुपये का जो एक बॉक्स मिला था हमें होलसेल रेट में, और काफ़ी हाइट तक गया, काफ़ी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस आई, बिल्कुल शार्प तरीके से ये गया, ना इधर गया ना ऊपर गया, सीधा स्काई की तरफ ये गया। गाइस वेल्स के लूनिक के बात करते हैं, अब कोक के लूनिक एक्सप्रेस को देखते हैं कितनी हाइट तक ये जाता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। फटाफट से करते हैं कोक के लूनिक एक्सप्रेस को इग्नाइट। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पर जो ग्राउंड पे गिर गया, एक और रॉकेट को इग्नाइट करते हैं, देखते हैं कितनी हाइट पे ये जाने वाला।
वाह गाइस, ये था कोक का लूनिक एक्सप्रेस। काफ़ी हाइट तक गया और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर स्पार्कल्स वगैरह इसमें देखने को मिले और काफ़ी स्पीड के साथ भी गया। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस इसकी रही। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। गाइस इग्नाइट करते हैं कोक के बिस्लिंग रॉकेट को, देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है और कैसी इसमें सीटी स्नाइप देती है और बाकी रॉकेट से इसकी जो कैसी परफॉर्मेंस रहती है। गाइस ये था कोक का बिस्लिंग रॉकेट जो काफ़ी साउंड के साथ काफ़ी हाई स्पीड के साथ ऊपर गया और काफ़ी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस आई। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये रॉकेट। गाइस अब इग्नाइट करते हैं रूमो गम्स के सिल्वर स्टार रॉकेट के, जो कि फैंसी रॉकेट है, बिग साइज रॉकेट है। देखते हैं इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। रॉकेट तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस जो कैसी रहती है। ये था अरुमु गम का सिल्वर स्टार रॉकेट जो कि फैंसी रॉकेट था। काफ़ी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस रही, काफ़ी हाइट तक गया और ये काफ़ी ऊपर जाता ही रहा। हमने काफ़ी वेट किया इसका और फाइनल जाके इसमें स्पार्कल्स वगैरह थोड़े से देखने को मिले। आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। गाइस सबसे लास्ट में इग्नाइट करते हैं कोक के सुपर स्टार रॉकेट को, बिग साइज का रॉकेट है और देखते हैं कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहती है, कैसे इसमें स्पार्कल्स वगैरह देखने को मिलते हैं और बाकी रॉकेट के कंपेयर किया जाए तो कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहेगी इन सब के कंपेरिजन में। गाइस ये था कोक का सुपरस्टार रॉकेट और ये भी काफ़ी हाइट पे जाता है, बट क्या हुआ रॉकेट का साइज इतना बड़ा होता है मोस्टली, ये ज़्यादातर इसके वेट की वजह से नीचे गिरा जाता है। तो एक काम करते हैं, एक और रॉकेट को करते हैं इग्नाइट, देखते हैं कितनी हाइट तक ये जाने वाला। हालांकि जो इसमें सेल निकल के फटा वो तो काफ़ी ज़रूरत यहाँ पर देखने में लगा, जो स्पार्कल्स वगैरह उसमें निकले लाइक स्काई शॉट। तो फटाफट से एक और पीस को करते हैं इग्नाइट। वाओ गाइस, ये था कोक का सुपरस्टार रॉकेट, जैसा इसका नाम था वैसे इसकी परफॉर्मेंस भी थी। काफ़ी ज़बरदस्त हाई स्पीड से गया और स्पार्किंग करते गया ज़बरदस्त वाली, काफ़ी अच्छी स्पार्किंग वगैरह यहाँ पर देखने को मिली, स्पार्किंग जैसे मिलती है स्काई शॉट की तरह ही। और लास्ट में जाके जो उसका सेल पड़ा वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पड़ा, ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस रही। आई होप आप लोगों को पसंद आया। गाइस कुछ इस तरह की रही इन सब रॉकेट की परफॉर्मेंस, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना इन सब रॉकेट में जो आपका कौन सा फेवरेट रहा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो कर दें लाइक एंड शेयर। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियो और भी आने वाली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।